आज आप जानेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है। क्या ये दोनों जो नाम है यहाँ पे ये सेम चीज़ के नाम है, सेम प्रॉब्लम के नाम है? अगर ये सेम नहीं है, इनमें कोई अंतर है, तो वो अंतर क्या है? उनके सिम्टम्स क्या है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो आज हम जानेंगे। देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस जो है ये फीमेल में दोनों डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ओवरीज से रिलेटेड दोनों प्रॉब्लम्स हैं ये, और जिनकी वजह से क्या होता है फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं उनमें डिलेज हो जाते हैं, ठीक है। कभी डिले हो जाता है और कभी टोटली एब्सेंट हो जाते हैं किसी किसी मंथ में पीरियड्स, ठीक है। पीसीओडी और पीसीओएस जो है, अगर आप नॉर्मली देखें तो इनको कहते हैं कि एक ही प्रॉब्लम है जी। क्यों? क्योंकि ओवरी से रिलेटेड है। लेकिन जब हम इनको बारीकी से देखेंगे, पीसीओडी और पीसीओएस जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। पीसीओएस जो होती है ये ओवरीज में क्या होता है, जब ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन जो होता है रिलीज होता है, उस टाइम पे जो होती है पीसीओएस प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे हमारे पास जो ओवुलेशन के टाइम पे एग आता है आपके यूट्रस में, वो क्या होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, बल्कि वो जो एग होगा वो लार्ज सैक टाइप का बन जाएगा, जिसको आप सिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो उससे डिले हो जाएगा उस मंथ का आपका पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन, जो भी आप कहेंगे। जबकि जो आपका पीसीओडी होता है वहाँ पे क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपके एग्स जो होंगे वो स्मॉल या इमैच्योर होंगे, पार्शली इमैच्योर होंगे, वो रिलीज़ होंगे, तो फिर वो क्या होंगे, वो स्मॉल साइज सिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो उसकी उनकी सिस्ट बनाने की वजह से अच्छे से ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो यूट्रस में बाद में जो होती है 28 डेज़ के साइकिल पर कटिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग, वो नहीं होगी, ठीक है, जिससे आपके जो पीरियड्स होंगे वो डिले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका पीसीओडी जो है ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पीसीओएस है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। वो क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो जब डिले हो जाता है आपके पीरियड्स में, तो उस टाइम पे ऐसा डर लगता है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होगी, कंसीव नहीं कर पाएंगे, तो पीसीओडी में इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करेंगे, डाइट अपनी अच्छी रखेंगे, हेल्दी डाइट रखेंगे, तो आप फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, फिर बिल्कुल नॉर्मली आपके पीरियड्स आएंगे। लेकिन जो आपका पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, उसमें प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कंसीव करने में। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कुछ मेडिसिंस लेनी पड़ेंगी, फिर आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। पीसीओडी से छुटकारा पाने के लिए आप एक्सरसाइजेस करो, हेल्दी डाइट लो, योगास करो। ये कुछ योगास मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, आप ये योगा ट्राई कीजिए मॉर्निंग में या इवनिंग में 1 घंटे के लिए। इससे आपका क्या होगा, जब आप इसको डेली रूटीन में ही अपनाएंगे, आप इन एक्सरसाइजेस को, योगास को, तो आप बिल्कुल इससे छुटकारा पाएंगे, ठीक है। आपको हेल्दी डाइट का ध्यान रखना है। हाँ, जिसको डिस्क प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, वो इतना बेंड ना हो, अवॉइड करें इतना बेंड होना, बाकी आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ सिम्टम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स आपको दिखाए हुए हैं कि क्या क्या अंतर आपको दिखेगा, कि आपको समझ जाना चाहिए कि पीसीओडी या पीसीएस हो रहा है। ये है नॉर्मल ओवरी का अल्ट्रासाउंड, और नीचे जो है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी का अल्ट्रासाउंड की इमेजेस है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।